बिना नहाए बिना धोए बिना पूजा पाठ करे माँ दुकान नहीं खुले। हाँ कितना कस्टमर है फिर के चला जाए जाएगी बिना पूजा पाठ करे बिना फूल माला चढ़ाए भगवान का कि लिट्टी चोखा न बने तो बाबा भूतनाथ की कृपा है भैया वही हमको लोग के देता है। मैं करीब अभी 5 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ का तो वर्ल्ड फेमस ही एक तरह से समझ लो जो भूतनाथ आया और बाबा के हाथ का चाय ना पिए और लिट्टी चोखा ना खाए तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत अलग है यहाँ का टेस्ट और बहुत अच्छा लगता है। साइज है यही इसकी स्पेशलिटी है एक तरह से मैं बोल लूँ तो ये सबसे हट के दिखता है। हाँ मैं जब कोलकाता आता हूँ तो तब यहाँ जरूर आता हूँ। सेम है बल्कि मेरे को तो और अच्छा लग रहा है पहले से। लास्ट ईयर आई थी फिर अभी आ रही हूँ। मुझे लिट्टी तो उतना पसंद नहीं आता बट अच्छा है जो केसर डाल के चाय बनाते हैं वही चाय अच्छा लगा मुझे। हमारा दुकान हम लोग थर्ड जनरेशन है बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से ही है। 65 साल पुराना दुकान है हमारे दादाजी शुरू किए हुए थे श्री बैजनाथ साहब और उनके ही आशीर्वाद से आज हम लोग चला रहे हैं। आपको यहाँ पे देसी घी का लिट्टी मिल जाएगा आलू का भरता मिल जाएगा चटनी है सरसों की हरी हरी चटनी है सरसों की। पहला प्रोसेस यहाँ पे है दूसरा प्रोसेस वो घी में डाल के करते हैं तीसरा हफ्ते फाइनल प्रोसेस रेडी होके कस्टमर अपना सेवा ले। ऐसे तो बहुत जगह ट्राई किए लेकिन यहाँ का तो बहुत नाम सुने थे आज आए थे इधर इसलिए देखे। अच्छा ये चटनी जो है चटनी में थोड़ा स्वीटनेस है मैं चटनी और चोखा इसका ही मेन काम है। घी भी ज़्यादा करके दिया प्राइस में 50 रुपया में 5 दे रहा जस्टिफाई है। छोटा इसलिए बनाते हैं ना कि जल्दी सीख जाता है और अंदर कच्चा नहीं रहता है। अब बड़ी लिट्टी जब भी खाए होंगे ना तो आपको देखे होंगे 85% लिट्टी उसके अंदर कच्चा हो जाता है और वो लिट्टी खाने से तरह तरह के एक खराबी भी होती है। तो मैं छोटे इसलिए बनाते हैं कि जल्दी से सीख जाता है और अच्छे से सीख जाते हैं। आप देख ही ले रहे हैं यहाँ पे हमारे जितना भी लिट्टी आपके सामने ही हो रहा है सभी लिट्टी पे घी एकदम अंदर तक गया हुआ है। एक प्लेट में देसी घी की लिट्टी 5 पीस रहती है ये छोटी छोटी बोल 5 पीस की घी की लिट्टी 50 रुपया दाम है। सुबह 10 से रात को 1 बजे तक आपको अवेलेबल है लिट्टी। गूगल पे आप आएंगे इस दुकान को तो राजेश लिट्टी एंड गुलाबी चाय मारेंगे तो आ जाएंगे उसमें आपका पूरा एकदम डिटेल बता देगा लोकेशन के संग। एक दफ़ा पहले आए थे तो फैमिली को लेकर आ जाया यहाँ का जो घी का फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है और चोखा का भी टेस्ट अच्छा लगता है। प्योर है नोवा घी है नोवा शुद्ध देसी बेस्ट क्वालिटी डायरेक्ट पैकेट से कटा और इसके अंदर कोई वो नहीं है ये घी डाल दें प्योर एकदम घी के अंदर एकदम धो करके इसे लकड़ी का हुआ है। हाँ ये प्लेट लग रहा है ये आलू का चोखा लहसुन प्याज अदरक बैंगन इमली 12 महीना ही नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अंदर का जो फीलिंग है ना वो ज़्यादा अच्छा है दूसरी जगह के मुकाबले। इसमें 5 रकम की मसाले हैं ये सब जितने भी हमारे होममेड मसाला है कोई भी मिलावटी नहीं कुछ भी नहीं। मतलब पहली बार ट्राई कर रहे हो ये ठीक ठाक घी भी डाल के दे रहा है मतलब छातू उतना प्रेफरेबल नहीं है मेरे लिए तो फिर भी सही लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनका जो है फेमस लिट्टी भूतनाथ का 5 पीस रहता है इसमें इसको अभी ट्राई किया जाए ठीक है। ग्रीन चटनी के साथ पहले ट्राई करता हूँ चोखा बाद में खाता हूँ पहले इसको ट्राई करके देखता हूँ 50 रुपये वर्थ इट है कि नहीं देखता हूँ। बहुत बढ़िया है सबसे पहली बात तो इसका जब पहला बाइट आप लेंगे बहुत ही तेज़ आपको एक सरसों का फ्लेवर आने वाला है आपका नाक खुल जाएगा। अगर आपका नाक बंद है ना सर्दी के टाइम में मैं बोलूँगा आपको ये खाना चाहिए यहाँ पे आके भूतनाथ में बहुत सही है। और इनका जो अंदर तक जो है ना सारा जो मसाला वगैरह है अच्छे से कुक्ड है और ऐसा होता है कि बड़ा अगर आप लिट्टी लेते हैं ना उसमें अंदर तक सब कुछ पका हुआ नहीं रहता है इसमें फिलहाल जो है ना पका हुआ है और जो घी है पूरा अंदर तक है घी में कोई कमी नहीं है। छोटा होने का एक और बेनिफिट यही है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है मसाला वगैरह सब कुछ कुक होता है अच्छे से और इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट दिया जाता है। जी हाँ इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ किया जाता है सोच रहे हैं मतलब कहीं पे कोलकाता में मैंने फिलहाल कभी भी ट्राई नहीं किया कि ड्राई फ्रूट दिया जाता है या कहीं पे भी लिट्टी मैंने देखा नहीं जिसमें ड्राई फ्रूट दिया जाता है यहाँ पे ड्राई फ्रूट दिया जाता है
ये लिट्टी के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। टेस्ट में तो लाजवाब है ही। अभी मैं इसका जो है चोखे के साथ ट्राई करता हूँ। बहुत सही है। अगर आपको इसका स्पाइसीनेस और बढ़ाना है, तीखा करना है, ग्रीन चिली इसके लिए दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मेरे को तो लिट्टी और चोखा दोनों बढ़िया लगा। और स्पेशली इनका जो चटनी है, इनका यहाँ पे हाई डिमांड रहता है। मुझे लग रहा है हाई डिमांड इसलिए होता है क्योंकि इसका टेस्ट भी बढ़िया होता है, जो कि बात सही है, बात एकदम सही है। ठीक है, और एक बाइट लेते हैं। और बाहर का क्रस्ट देखो, अच्छे से कुड़कुड़ा है, अच्छे से यहाँ पे पका हुआ है, बहुत सही लग रहा है। ये देख सकते, ट्राई करते हैं और एक बार। भाई मस्त ट्राई है। कोलकाता में हो, भूतनाथ मंदिर की तरह आ रहे हो, ज़रूर से ट्राई करो, बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको लग रहा होगा ये देखने से कि 50 रुपये बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, छोटा छोटा 5 पीस, नहीं है। जिसको लिट्टी पसंद है ज़रूर से यहाँ पे आए और उसको ट्राई करके बताएं कि कैसा लगा। केसर वाला फेमस चाय बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। इसका प्राइस अराउंड 20 रुपीज़ के अंदर है। एग्जैक्ट प्राइस मैं डाल दूंगा स्क्रीन में, देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया होता है इनका चाय, बहुत फेमस होता है, गुलाबी चाय भी कहा जाता है। इनके अंदर केसर जो है ना, केसर चाय नाम का नहीं होता है, केसर डाला जाता है लिटरली इसमें। देखो केसर, देखो केसर भी है, बहुत सारा केसर है। केसर में कोई कंजूसी नहीं है, देख लिया आप लोगों ने। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छा है, जस्टिफाई है। ट्राई करता हूँ, अभी टेस्ट करके बताता हूँ। देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग। बहुत स्ट्रॉन्ग सा चाय है, इलायची का भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है। केसर यहाँ पे मुझे जेन्युइन लग रहा है, केसर का भी फ्लेवर अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि कैसे दे रहे हैं लोग केसर इतने कम प्राइस में, बट सही है। केसर का भी बहुत सारा वैरायटी रहता है। ये शायद उस वैरायटी में आता है कि वो उस कॉस्ट में दे पा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से शायद ये दे रहे हैं यहाँ पे इसको। चाय नो डाउट बहुत बढ़िया है, कड़क चाय है, बहुत सही है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पे खा के बहुत मज़ा आया। इनका लिट्टी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लिट्टी। जिसको लिट्टी पसंद है और जिसको नहीं पसंद है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को लिट्टी फ्यूचर में भी खाने में बहुत अच्छा लगने वाला है, इसी जगह से या कहीं और से भी। अगर आपको मन नहीं होता है लिट्टी खाने का, अगर पहले नहीं खाया, आपको ट्राई करना है, यहाँ से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही फेमस है अगर आप कोलकाता से हैं तो। और ये चाय के बारे में अगर बताऊँ तो चाय बहुत बढ़िया है, चाय ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ठंडी के मौसम में तो ये बहुत ही फेमस रहता है, रात के 1-1.5 बजे तक खुला रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ठंडी में आइए दोस्तों के साथ, घूमिए और चाय ज़रूर से पीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला चाय। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और नए वीडियो के साथ जल्द से लौटूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।